सब्सक्राइब कीजिए हिंदी बोलेगी चैनल को और दबा दीजिए इस घंटे को मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि हमारे कान कैसे काम करते हैं और कानों को सुनाई कैसे देता है। चलिए जानते हैं। जब भी कोई बोलता है तो वो ध्वनि तरंगों को उत्पन्न कर देता है जो हवा में चली जाती हैं। इन ध्वनि तरंगों को हमारा बाहरी कान पकड़ लेता है और ये तरंगें एक तंग रास्ते से होती हुई उस तंग रास्ते को ईयर कैनाल बोलते हैं या ऑडिटरी कैनाल भी बोल सकते हैं। ये उस भीड़े रास्ते से या तंग रास्ते से होती हुई ईयर ड्रम तक पहुंच जाती है और ईयर ड्रम पर जाकर टकराती हैं। ईयर ड्रम एक मेम्ब्रेन या पतली झिल्ली होती है। ये तरंगें ईयर ड्रम यानी कि उस पतली झिल्ली पर टकराकर उस झिल्ली में यानी कि ईयर ड्रम में कंपन पैदा कर देती हैं। फिर इस झिल्ली के बिल्कुल पीछे तीन छोटी छोटी और पतली सी हड्डियां होती हैं जो ईयर ड्रम में कंपन की वजह से खुद कांप जाती हैं। ये हड्डियाँ हैं मैलियस, इनकस और स्टेपस। फिर ये पतली पतली हड्डियाँ एम्पलीफायर की तरह काम करती है और इस कंपन की आवाज़ को बढ़ा देती हैं और इस आवाज़ को बढ़ा के कोकलिया तक भेज देती हैं जो दिखने में सीपी जैसा होता है। इस कोकलिया में द्रव या तरल पदार्थ होता है जिसमें ध्वनि तरंगों की वजह से कंपन हो जाती है। कोकलिया के अंदर बालों जैसी पतली पतली कोशिकाएँ होती हैं जो द्रव में पैदा हुई तरंगों को महसूस करती हैं और हिलने लग जाती हैं और इनकी ये मूवमेंट या मोशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करती है और फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडिटरी नर्व यानी कि नाड़ियों के द्वारा दिमाग तक पहुंचाए जाते हैं। फिर हमारा दिमाग इन सिग्नल को पढ़कर उस आवाज़ को पहचान जाता है और सामने वाला क्या बोल रहा है इस चीज़ को समझ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी कि हमारा कान कैसे काम करता है और हमारे कानों को कैसे सुनता है। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।